आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। वेटनरी कॉलेज बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशने को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द से जल्द जमीन तलाशने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुरुवार को पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को कार्य हुआ प्रारंभ। एसपी सिटी ने पुलिस ऑफिस में आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शेरनी दस्ता और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को विलय करके बनाया गया है महिला सुरक्षा दल। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को स्कूटी, विजिटिंग कार्ड और दिए गए हैं सीओजी मोबाइल नंबर। छात्राओं और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं टीमें, ताकि आपात स्थिति में पुलिसकर्मियों से आसानी से संपर्क कर सकती हैं छात्राएं और महिलाएं। हर घर तिरंगा फहराने के जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों की तिरंगा कलर से की गई है रंगाई। ब्लॉकों पर तिरंगा के साथ किया जा रहा है फोटो सेशन, निकाली जा रही है प्रभात फेरी, तिरंगा का किया जा रहा वितरण। डीपीआरओ ने कहा, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घरों पर जरूर फहराएं तिरंगा। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनिता सिंह के संयुक्त नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना नंबर के वाहन पर चल रहे पुलिसकर्मी का एसपी ट्रैफिक ने किया ऑन स्पॉट चालान। 42 डीजल चालित काले ऑटो रिक्शा व बिना नंबर प्लेट के 70 वाहनों का भी किया गया चालान। कहा, वाहन चेकिंग के साथ लोगों को किया गया जागरूक। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों पर जनपद के सभी नागरिक फहराएं तिरंगा। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने की अपील। अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त राजू निषाद को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हिरोशिमा दिवस की पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। परमाणु बम से हुए जापान के शहर के नुकसान पर हुई चर्चा। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा पर बात फेरी। कहा, डाक विभाग के कर्मचारी हर गांव के घरों पर झंडा लगाने का करेंगे कार्य।